हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान में, जो राजस्थान में नए डिस्ट्रिक्ट बने थे राजस्थान स्थापना के बाद में, तो उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यह कंटेंट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RAS, RTS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, LDC, सभी में इस तरह का कंटेंट बहुत आता है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 1 नवंबर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो आप कह सकते हो 1 नवंबर 1956। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। इस समय मतलब 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर नया जिला बना था, जो 26वां जिला था। अजमेर का जो RJ नंबर है वो 01 है। राजस्थान में कुल RJ नंबर 52 है, यानी 52 है। अजमेर, मेरवाड़ा जिसे बाद में जिले का दर्जा दिया गया, तथा जयपुर की 4 तहसीलें इसमें मिलाई गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है, तो आप कह सकते हो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में धौलपुर जिला कब बना था, 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 राजस्थान में धौलपुर 27वां जिला बना था। धौलपुर भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि धौलपुर कौन से जिले से अलग हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा भरतपुर। इस समय राज्य का मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। धौलपुर का RJ नंबर 11 है। 12 राजस्थान का 28वां जिला बना था। कब बना था, 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को 12 नया जिला बना था और 28वां जिला था। 12 का RJ नंबर है वो 28 है। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 12 कौन से जिले से अलग होकर बना था, तो आपका आंसर रहेगा कोटा। यह कोटा से अलग होकर नया जिला बना था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, दौसा। दौसा राजस्थान का 29वां जिला बना था, 29 जिसको कह सकते हैं। दौसा 29वां जिला कब बना था, तो आपका आंसर रहेगा 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 29 जिले हो गए थे और नया बनने वाला जिला था दौसा। दौसा का RJ नंबर है 29। जयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। कहाँ से अलग होकर, जयपुर से अलग होकर नया जिला बना था दौसा। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। 10 अप्रैल 1991 जी 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद 30वां जिला बना था। राजस्थान में 30वां जिला कौन सा बना था, राजसमंद। और कब बना था, 10 अप्रैल 1991। इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान का RJ नंबर है वो 30 है। राजसमंद उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राजसमंद कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो आपका आंसर रहेगा उदयपुर। उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। 12 जुलाई 1994 डेट याद रखना, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बना था राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिले का RJ नंबर है 31। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हनुमानगढ़ कौन से जिले से अलग होकर नया जिला बना था, तो आपका आंसर रहेगा श्रीगंगानगर। 19 जुलाई 1997 करौली 32वां जिला बना था राजस्थान में। 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बना था। करौली का RJ नंबर है वो 34 है, 34। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भैरव सिंह शेखावत थे। और यह कौन से जिले से अलग होकर, मींस करौली कौन से जिले से अलग होकर नया जिला बना था, तो आपका आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। नेक्स्ट और लास्ट है, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। प्रतापगढ़ कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। और प्रतापगढ़ को आदिवासी जिले का भी दर्जा दिया गया था। प्रतापगढ़ ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था। प्रतापगढ़ ने अपना कार्यकाल कब शुरू किया था, 1 अप्रैल 2008 से। प्रतापगढ़ जिला प्रवेश परमेश चंद्र है ये, सॉरी प्रवेश लिखा हुआ है। प्रतापगढ़ जिला
परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। इस समय राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। प्रतापगढ़ 3 जिलों से अलग होकर बना था। ये यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ कितने जिलों से अलग होकर बना था और उन जिलों के नाम बताओ। तो आप कह सकते हो कि 3 जिलों से अलग होकर बना था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और कंटेंट लेकर। तब तक अलविदा लेंगे। थैंक यू।